देख रहे हो गांव वालों, गांव में क्या होता जा रहा है। इन लड़कियों की मनमानी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लड़ाई झगड़े, और इन्हें कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। अगर हालात यही रहे तो हमारे गांव की और लड़कियां भी बिगड़ेंगी। अब तो पुलिस वालों का इनके घर आना जाना भी शुरू हो गया है, हमें ध्यान देना होगा इन बातों पे। तुम यहां बैठकर आराम से तमाशा देख रहे हो और वहां लोग हमें गालियां दे रहे हैं, हमारी इज्जत उछाल रहे हैं, हमें बेइज्जत कर रहे हैं। जिन लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए था वो गांव में खुलेआम घूम रहे क्यों? मैं जानती थी एक दिन हमारे साथ ऐसा भी होगा। हम लड़कियां हैं ना, हमारी इज्जत की तरफ देखा जाएगा, हमें नोचने की कोशिश की जाएगी। मैं अपनी और अपनी बहनों की इज्जत बचाते हुए अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रही थी। बहुत गलत किया है आपने हमें सपने दिखाकर, हमें अच्छा बनाकर, बहुत गलत किया है। क्या बात है, मुझे बताओ, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। कानून? कौन सा कानून? कानून कभी भी गरीब, मजबूर और बेसहारा लोगों का साथ नहीं देता। कानून साथ देता है तो पैसे वालों का, बाहुबलियों का और नेताओं का। और मान लिया अगर आपने उन्हें पकड़ भी लिया ना तो क्या होगा? वो पैसे देंगे और छूट जाएंगे, बस। सिर्फ इतना ही कर सकता है आपका कानून, और कुछ नहीं कर सकता। ये धुम्मन की लड़कियां गांव में गन फैला रही हैं। इनकी हरकत को देख के हमारे गांव की बहन बेटियां क्या सीखेंगी? अगर यही रहा तो हालत बस से बदतर हो जाएंगे। हमें इसका कुछ सुधार करना पड़ेगा, समझ रहे हो आप लोग? ये मिलकर ही आवाज उठानी होगी हम सबको। मैं सही कह रहा हूं, ये लड़कियां गांव में गन फैला रही हैं और अब तो ये धंधे पर भी उतर आई हैं। नीचता की हद कर दी लड़कियों ने। अरे मैं तो कहता हूँ इन लड़कियों को गांव से बाहर निकालो। नेताजी मैं आपको समझा रहा हूँ, लोगों को भड़काना बंद करो और यहाँ से चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। थूकता हूँ मैं ऐसी लड़कियों पर। मैंने तुझे पहले ही कहा था, ये गलती उस वक्त मत कर बैठना जब मेरा भेजा घुमा हुआ हो। चल। जैन सर, जैन सर, जैन। अरे भाई मंत्री जी आए बैठे हैं, तुमने नेताजी को कैसे गिरफ्तार कर लिया? बिना वारंट कैसे गिरफ्तार कर लिया? कानून अपने हाथ में मत लो। सर हम हर बात को कानून के नजरिए से क्यों देखते हैं? किसी बात का कोई मानवीय पहलू भी हो सकता है, किसी की मजबूरी भी हो सकती है, कुछ हालात ऐसे हो सकते हैं। ये आदमी गांव वालों को भड़का रहा था, इसने एक बच्चे को मारने की कोशिश की है, इसलिए मैंने इसे पकड़ा है। तुम जजाद में आके फैसला ले रहे हो, क्या तुम्हारे पास इसका कोई ठोस सबूत है? सर मैं जल्दी से जल्दी सबूत जुटा लूंगा, पर बार-बार कुछ नहीं, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है और यहाँ तक कि तुम सस्पेंड भी हो सकते हो। सर मैं खुद आकर वहाँ जांच करूंगा और नेताजी को जल्दी जल्दी छोड़ दो। सर मेरी माफी चाहता हूँ मंत्री जी, आपको तकलीफ हुई और मैं जा रहा हूँ, अभी कार्रवाई करता हूँ। देखिए सीओ साहब, ये हमारी पार्टी की एक बड़ी सी लीडर है जी, तो इस तरह की घटना दोबारा नहीं होगी, नहीं जा रहा हूँ मैं। क्या हुआ सर? मामला काफी गंभीर हो गया है, सीओ साहब इधर ही आ रहे हैं, हो सकता है मुझे सस्पेंड कर दें। मेरे साथ कौन कौन गया था गिरफ्तारी पे? सर मैं और सुरजीत सिंह गए थे। तुम दोनों तो जल्दी चले जाओ, कहीं ड्यूटी लगा लो अपनी बाहर, और बाकी लोग भी अपनी ड्यूटी इधर उधर लगा लो, मैं गिरफ्तारी अपने सर ले लूँगा। जाओ। सुनो भाई, हमें सर के लिए कुछ करना होगा, ऐसे ईमानदार दरोगा चौकी पर दोबारा नहीं आने के। सर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है,
हमारी नौकरियां बचाई हैं, आज भी त्याग किया है, हमें सर के लिए कुछ करना पड़ेगा, जी जान से करना पड़ेगा, उस बदमाश को ढूंढ के लाना पड़ेगा। आज हम सबकी परीक्षा की घड़ी है, हम सर को सस्पेंड नहीं होने देंगे। रोगो हाय हाय, रोगो हाय हाय, नेताजी को याद करो, नेताजी को याद करो, रोगो हाय हाय, रोगो हाय हाय, नेताजी को याद करो, नेताजी को याद करो, रोगो हाय हाय, रोगो हाय हाय, नेताजी को याद करो, नेताजी को याद करो, रोगो हाय हाय, रोगो हाय हाय, नेताजी को याद करो, नेताजी को याद करो, रोगो हाय हाय, रोगो हाय हाय, नेताजी को यहाँ से जा रहे हो या मुझे भेजने पड़ोगे? रोगो हाय हाय, कट्टे तोड़ दूंगा एक एक के, समझ गए ना, ये मुराइयाँ चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। रोगो हाय हाय, राजीव जी सर तुरंत चले जाओ दोनों, ठीक है ना, और दो लोग भी चले जाओ, कोई एक आदमी रह जाओ बस, हैं बाकी सब चले जाओ। जैन साहब, हाँ भाई, क्या रहा राजपाल सिंह, तुमने अपनी इंटरव्यू छोड़ा नहीं? जी पुष्पेंद्र साहब के लिए कुछ चाय पानी। राजपाल सिंह बैठो। जी साहब ठीक हूँ मैं। क्या हुआ, कोई सबूत मिला? नहीं साहब। फिर तुमने कानून क्यों तोड़ा? चलिए छोड़िए उनको अभी, मैं कप्तान साहब के आदेशानुसार आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित करता हूँ। सर आप सर को सस्पेंड कर रहे हो तो हमें भी सस्पेंड कर दो। सर हमें भी कर दो, हमें भी कर दो सर, सर हमें भी कर दो। मैं संकल्प पुट्ठी गांव का प्रधान विकास बालियान। आइए प्रधान जी बैठिए। सीओ साहब, वैसे तो ये आपके महकमे का मामला है, हमें तो इसमें कुछ कहने का अधिकार नहीं, लेकिन राजपाल सिंह एक बहुत अच्छे पुलिसकर्मी नहीं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। अच्छा। इन्होंने गांव के अंदर कानून व्यवस्था ही अच्छी नहीं की, बल्कि सामाजिक ताना बाना जो है ना उसे भी बहुत मजबूती प्रदान की है। जी। ये बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा अच्छा। इन्होंने पुलिस की एक बेमिसाल छवि गाँव वालों के अंदर बनाई है। देखिए प्रधान जी, कानून सबके लिए बराबर है, कप्तान साहब का सख्त आदेश है, इनको मुझे सस्पेंड करना ही पड़ेगा। चलिए लॉकअप खोलिए और नेताजी को बाहर निकालिए। सीओ साहब नमस्कार। नमस्कार, माफी चाहते हैं, आपको बहुत तकलीफ हुई। देख रहे हैं अपनी पुलिस को कितनी सेवा की है ना हमारी, मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं। क्या मैं कोई गुंडा हूं, बदमाश हूं, मैं क्रिमिनल हूं? अरे इस इलाके का नेता हूं, कोर्ट तक घसीटूंगा, कोर्ट तक छोड़ूंगा नहीं, कोर्ट तक लेके जाऊंगा मैं, कोर्ट तक लेके जाऊंगा। राजपाल सिंह व्हाट नॉनसेंस क्या कर रहे हो? साहब आप सबूत मांग रहे थे ना, सबूत बहुत जल्द आ रहा है, मैं इसे आईपीसी की धारा 307 के तहत कर रहा हूं, आईपीसी 294 महिला सम्मान को ठेस पहुंचाने के मैं इसे गिरफ्तार कर रहा हूं। बलबा कराने के आरोप में 147, 148, 149, 120B सोचने के आरोप में। सर ये है सबूत, ये बच्चे पर हमला करने वाले हैं, इन्होंने कबूल किया है,
कि जो बच्चे पे हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड ये नेता है। तीनों सबूत आपके सामने, कबूलनामा आपके सामने है। राजपाल सिंह, पुलिस विभाग को तुम्हारे ऊपर गर्व है। मेरा नाम है सेरा। आज दरोगा जी ने सारे गुंडों को लाकर चौकी में घेरा। ओके, इनको कस्टडी में लीजिए और कार्रवाई कीजिए। भैया राजपाल। हाँ मानो। नमस्ते जी। हाँ साहब, ये मेरी माँ है। नमस्ते करने साहब। नमस्ते सर जी। ये गांव के प्रधान जी हैं और ये इनके भाई हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। नमस्ते जी। अबे नेता जी, तुम तो नुकरते, तुम्हारे नीचे से लेकर ऊपर तक बहुत अच्छे संबंध है। ये संबंध है तुम्हारे यहाँ फंसवा दिया। थूक मत, नहीं तो चटवा देगा। दरोगा जी, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। जमीन के लालच और बहकावे में आकर मैंने अपने भाई की बेटियों के साथ बहुत अत्याचार किया है। दरोगा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। दरोगा साहब, सतपाल को अपने किए का एहसास हो लिया। और एक बात और है, जैसा मैंने सुना, अगर वो सच है ना, तो इन बेटियों की शादी भी अब हो जानी चाहिए और इनका कन्यादान मैं करूँगा। प्रधान जी, ये हक मेरा है, इस हक को मत छीनो। मैं पहले ही बहुत गुनहगार हूँ, अब तो मुझे अपनी बेटियों की शादी या कन्यादान मुझे करने दो। माँ, जो तू देख के गई थी, देख क्या है वह छोरी, देख ले। अब तू पागल समझ रही थी, जिसे जो भी तू समझ रही थी, ये तो इनकी बहनों ने करा जो कुछ करा। इन्हें ना पता था तू मेरी माँ है, और ये चाह नहीं रही थी इसकी शादी कहीं और हो। अच्छा, ये बात ही तो। आजा बेटी, मैंने तो पहली नजर में पसंद कर ली थी। देखिए कैसी सोनी है, मुझे बहुत पसंद है। प्रधान जी, मैं तो किसी और कार्रवाई के लिए आया था, यहाँ तो सारा मामला ही उल्टा है। बड़ी खुशी की बात है, लगता कोई और बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी मुझे। सीओ साहब, ये मामला 1x1 नहीं, 6x6 का है। नहीं प्रधान जी, 6x6 में मैं ना हूँ, मैं तो बाल बच्चे वाला हूँ। अरे हवलदार साहब, अपनी उम्र तो देख लो, आपको कब कह रहा हूँ मैं। आओ बेटियों, आओ। अरे भाई, तुम लोग भी अपने माँ बाप को बुलवा लो। तो प्रधान जी, शादी 1x1 होगी या 6x6 होगी? सीओ साहब, 6x6 की बारात एक साथ होगी, सतपाल का खर्चा भी कुछ कम होगा, बहुत मजा आएगा। अजी, मेरा नाम है सेरा। बारात में चाय का ठेका रहेगा मेरा, और ना प्रधान जी खर्चा रहेगा तेरा, ना चाचा रहेगा खर्चा तेरा, सारा खर्चा मेरा। और फिर आराम से करियो फेरा। और सीओ साहब, ये जो कब दे रहा ना, ये भी है मेरा।